एंड वेलकम टू माई चैनल साइंस एडमेंट फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अजियो का ह्यूज हॉल। मैंने कुछ ड्रेसेस, कुर्तीज, बैग्स वगैरह मंगवाए थे, काफी अच्छी क्वालिटी के हैं और काफी रीजनेबल प्राइस पे मुझे मिले हैं, तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो देखिए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं हूँ भावना और मैं ऑल्टरनेट डेज पे वीडियोज अपलोड करती हूँ, हॉल वीडियो, स्टाइलिंग वीडियो और फैशन से रिलेटेड वीडियो जो आजकल ट्रेंडिंग है वो लेके आती हूँ मैं। अभी मैंने लास्ट काफी अच्छे अच्छे वीडियोस डाले हैं, तो आप प्लीज चेकआउट कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपका 2 मिनट लगेंगे सिर्फ, पर मेरा भला हो जाएगा। प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो का मजा लीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या खरीदा है मैंने। फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से हॉल शुरू कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने लिया है, ये कुर्ती है, इस तरह की कॉफी कलर की कुर्ती है, अवासा ब्रांड है अवासा, और ये है एल साइज में। ये देखिए कुछ इस तरह की है, ये गाउन टाइप की जैसे ड्रेस होती है वो है ये। ये ब्लॉक प्रिंटेड है, हैंड ब्लॉक प्रिंटेड है, ये सारी प्रिंटेड है ये ड्रेस। ये आपकी नी लेंथ से हल्का सा नीचे आएगी, जैसे प्लाजो अगर आप इसके नीचे पहनते हैं तो सिर्फ इतना सा पोर्शन दिखेगा, ज्यादा नहीं दिखेगा। अगर आप अपने लेग्स के बारे में कॉन्शियस है तो आप इस तरह का कुछ ले सकते हैं, ड्रेस पहनना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसके नीचे प्लाजो पहनने की जरूरत नहीं है, आप बस इनर पहनिए और बस आप सॉर्टेड है। इस तरह से दिखती है ये ड्रेस। देखिए फ्रंट थोड़ी सी, ये इसी कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, ये चेक्स बने हुए हैं, थ्रेड से बने हैं और ये दो लाइंस बनी हुई है, ये भी डिजाइन वाली है, ये थ्रेड वाली है सारा। नीचे ये गैदर्स है और इस तरह से ये दिखती है कुछ ड्रेस, पूरी ड्रेस। मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में, हॉल वीडियो मैंने जो अजियो का शेयर किया था आपके साथ, जो जिसमें मैंने काफी सारी ज्वेलरी खरीदी थी, तो उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि आप किस तरह से ये जो होती है इसके अंदर मतलब प्रोडक्ट्स आप कैसे ले सकते हैं, इन पे अच्छा डिस्काउंट कैसे ले सकते हैं, मेगा डील जैसे या ब्लेज करके या स्नैप करके ऐसे करके कोड्स आते हैं, तो वो कोड पे आप आराम से बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट ले सकते हैं। ये मुझे 300 अराउंड पड़ी थी, वैसे इसकी MRP दिखाया था 600 अराउंड, बट ये मुझे 300 की पड़ी है। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, गर्मी में ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ पहना हुआ है मैंने, बहुत ही ज्यादा स्किन फ्रेंडली भी है, बिल्कुल भी ये इरिटेशन नहीं करती है और बहुत प्यारा सा कलर है। जो इसका मुझे ये डिजाइन थोड़ा सा ये लगा, हैंड ब्लॉक प्रिंटेड है, ये ब्लॉक्स होते हैं वो प्रिंटेड है, जैसे आपको पता है मेक इन इंडिया आजकल चल रहा है और जो वोकल फॉर लोकल ऐसा भी कुछ है, तो ये इंडियन ब्रांड है अवासा और इंडियन ही फैब्रिक है, इंडियन प्रिंट है, ब्लॉक प्रिंटेड ये इंडिया की ही है, तो इस तरह का कुछ आप ले सकते हैं, काफी अच्छा लगता है और काफी ये समर्स में बहुत ब्रीदेबल रहता है। तो ये मुझे मिली थी, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, जितने की मुझे मिली थी मैं लगा दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। सभी ड्रेसेस के और सभी कुर्ती सभी चीजों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज चेकआउट कर लीजिए। तो नेक्स्ट चीज आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। ये भी अवासा ब्रांड है और इसकी ये हॉट पिंक कलर की कुर्ती है, इस तरह की कुछ कुर्ती है, ये सामने से दिखती है। ये मुझे 176 रुपीज की सिर्फ पड़ी थी क्योंकि मैंने वही कोड वाला सिस्टम अप्लाई किया था, 176 की है, क्योंकि अभी इसका प्राइस मुझे याद था इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मैंने काफी 3,500 की शॉपिंग की थी जिसमें मुझे आराम से, बहुत आराम से वो कोड मिल गया और बहुत कम हो गए सारी चीजों के प्राइस, 176-178 इसी तरह की कुर्तीज मैंने ली है। ये देखिए ये नीचे से इस तरह से कुछ है, ये अलग से कपड़ा लगा हुआ है इसके ऊपर, ये फॉइल प्रिंट है, डिजाइनर इस तरह से डिजाइन है और जितना ब्राइट ये दिख रहा है कैमरे पे उतना ही ब्राइट है, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर है, काफी अच्छा फेस्टिवल सीजन है और कॉटन रियॉन है ये, तो इससे आप मतलब कोई भी इरिटेशन भी नहीं होगी स्किन के ऊपर, ना आपको गर्मी लगेगी और सी थ्रू नहीं है ये सबसे बड़ी बात। ये देखिए सी थ्रू नहीं है, आपको इसके नीचे कुछ स्लिप वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। इसके साथ व्हाइट प्लाजो पहनिए, बहुत ही ज्यादा ऑसम और बहुत अच्छा सा ग्रेसफुल सा लुक आएगा। इसकी 3/4 स्लीव्स है और स्लीव पे भी ये जैसा नीचे एक अलग से कपड़ा लगा के डिजाइनर वाला वो लगाया हुआ है, तो वो इसमें भी है इस तरह से। तो ये 176 रुपीज में, आप ही बताइए कि क्या ये गलत डील है, क्या ये खराब है। ये मुझे बहुत पसंद आया कुर्ता, बहुत अच्छा ब्रीदेबल फैब्रिक है, घर में आप पहनिए या ऑफिस जा रहे हैं तो वहां पर भी आप आराम से कैरी कर सकते हैं,
ना टैनिंग का कोई झंझट है क्योंकि ये 3-4 स्लीव्स हैं और ना इसमें स्वेटिंग प्रॉब्लम होगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा ब्रीदेबल फैब्रिक है, अच्छा फैब्रिक है। तो चलिए ये 176 में मैंने लिया था, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिया है। नेक्स्ट मैंने ये पैरेट ग्रीन कलर की कुर्ती ली है इस तरह से। ये आवासा ब्रांड में मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप ये शॉपिंग कर रहे हैं तो एक साइज डाउन लीजिए क्योंकि जैसे मैंने इसमें एल लिया है क्योंकि मुझे आर्म्स पे यहाँ पर मेरे थोड़ा फैट है तो आर्म्स पे एम साइज लेती हूँ। वो पूरी बॉडी पे तो सही आ जाता है, बहुत अच्छा ढीला ढाला सा फिटिंग सही रहती है, बट आर्म्स पे टाइट होता है तो मैंने एक साइज अप ले लिया एल। बट ये ऐसा लग रहा है दूसरे ब्रांड्स का 2XL है, तो आप एक साइज डाउन लीजिए तो ही ज्यादा ठीक रहेगा इसमें। ये देखिए कुछ इस तरह की कुर्ती दिखती है, ये पूरी लॉन्ग कुर्ती है और जितना ब्राइट कलर आपको दिखाई दे रहा है उतना ही ब्राइट कलर है। ये देखिए कॉटन है, ये भी रियॉन कॉटन और बहुत ही अच्छा ब्रीदेबल फैब्रिक है। आवासा ब्रांड ही है, नहीं ये स्याही ब्रांड है, स्याही लीवा का फैब्रिक है तब भी इतना सॉफ्ट है। मैं भी यही सोची थी शायद ये लीवा ही होगा तब भी इतना ज्यादा सॉफ्ट दिख रहा है। और उसके बाद इसकी जो स्लीव्स हैं वो ये इस तरह से है, 3/4 स्लीव्स है, 3/4 स्लीव से थोड़ा सा और नीचे, और इतना ब्यूटीफुल से इसके ऊपर ये प्रिंट है, ये भी ब्लॉक प्रिंट होता है और ये बहुत सुंदर लगता है गर्मियों में, बहुत ही ज़्यादा इजी टू कैरी और बहुत ज़्यादा ब्रीदेबल रहता है ये। इसको भी आप व्हाइट कलर के शरारा के साथ पहनिए, बहुत ऑसम लुक आएगा और कोई ये बोल नहीं सकता कि जैसे ये इट्स नॉट मेंट फॉर फेस्टिवल्स, ये भी फेस्टिवल में भी पहन सकते हो और आप बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से है कुछ, ये लॉन्ग कुर्ती है, काफी लंबी है ये भी, ये देखिए पूरा ओवरऑल ये ऐसा ही प्रिंटेड है आगे से इस तरह से, ये गला है वी शेप का और जैसे कुर्तियों में होता है आगे वैसा ही है बिल्कुल। इसको आप गर्मियों में कैरी कीजिए, यकीन मानिए बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि फैब्रिक बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा ब्रीदेबल है, ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। ये मुझे मिला था 216 रुपीस का। देखा मेरी डील्स, मैं हमेशा आपके लिए अच्छी डील्स ही लेके आती हूँ जिसमें आपको अच्छा मिलेगा। ये मेरा छोटा सा बीबू है, आप बैठ जाओगे बैठो। तो फ्रेंड्स ये था थर्ड कुर्ता, अब मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ मैंने नेक्स्ट क्या लिया है। मैंने एक टॉप लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। अगर आप इसको जीन्स के साथ ना भी पहने तो ये आराम से आप साड़ी के साथ एज अ ब्लाउज पहन सकते हैं। इस तरह की ये देखिए, ये फ्रिल्स वाली स्लीव है इसकी और दोनों स्लीव्स, सबसे ज़्यादा ये मुझे स्लीव्स की वजह से फ्लैटरिंग लग रहा है। और ये देखिए थोड़ा सा अलग ही टाइप का कपड़ा है, ये आप गर्मियों में तो ऑब्वियसली नहीं पहन सकते और इसके नीचे आपको स्लिप भी पहननी पड़ेगी और नीचे भी ये जैसे पेपलम टॉप है उस तरह का है, इसके नीचे ये इस तरह से फ्रिल्स हैं। तो आप इसको ब्लू जीन्स के साथ, ब्लैक जीन्स के साथ या किसी के साथ भी पहन सकते हैं आराम से, बहुत अच्छा लगेगा। ये एल साइज में लिया है मैंने, प्रीवी लीग करके कोई ब्रांड है उसका है ये, 239 रुपीज़ के राउंड मुझे लगता है मैंने लिया था ये। और इसको मैं एज अ साड़ी ब्लाउज बहुत आराम से कैरी कर सकती हूँ क्योंकि आजकल पेपलम ब्लाउज बहुत ज़्यादा फैशन में है और बहुत अच्छे लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं और वाइट कलर है तो ऑब्वियसली हम इसको किसी भी साड़ी के साथ कैरी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगता है। तो ये है टॉप, मुझे बहुत पसंद आया है ये, फोटो में भी जितना अच्छा लग रहा था उससे भी अच्छा ये जब मिला है तो मुझे उससे भी ज़्यादा पसंद आया और फैब्रिक भी ठीक है, ये मौसम है इसको पहनने का तो हम इसको आराम से कैरी कर सकते हैं 236 रुपीज में, आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड डील। नेक्स्ट दिखाती हूँ फ्रेंड्स, मैंने एक ड्रेस ऑर्डर की थी, कुछ इस तरह से दिखती है ये ड्रेस और काफ़ी अच्छा ब्राइट सा कलर है, ये येलोइश ग्रीन कलर है और ये समर्स में जैसे अब फेस्टिव सीजन है, आपके घर में रोज़ कोई ना कोई विजिट करता है तो यू शुड बी प्रेजेंटेबल, तो उस वे में भी ये पहन के बहुत अच्छा लग रहा था ड्रेस। और लीवा फैब्रिक का है ये भी, लीवा फैब्रिक मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको, आप में से किसी को नहीं पता है तो लीवा फैब्रिक एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉटन होता है और बहुत ही ज़्यादा ब्रीदेबल होता है, इसमें बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होती और बिल्कुल भी इचिंग नहीं होती है, कॉटन की जैसा ही होता है बट कॉटन से डिफरेंट होता है। कॉटन से जो सबसे अच्छा फैब्रिक बोला जाता है समर्स के लिए वो कॉटन बोला जाता है, बट ये कॉटन से भी ज़्यादा सुपीरियर है लीवा फैब्रिक। और मैं अब कोशिश यही करती हूँ जब भी गर्मियों में कपड़े लेती हूँ ना तो मैं लीवा फैब्रिक का ही लूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए।
तो इस तरह से ये स्लीवलेस ड्रेस है, इसके अंदर स्लीव्स नहीं है, आई एम सॉरी स्लीव्स हैं, दी हुई है स्लीव्स, इनको आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली स्टिच करवा सकते हैं। ये मिल गई है मुझे स्लीव्स, इसके अंदर ही थी। तो ये ड्रेस कुछ इस तरह से दिखती है, फ्रंट में जैसे इसके ये डिजाइन है, इसके ऊपर हल्का हल्का से ये स्टार्स वगैरह ये सब लगे हुए हैं। देखिए ये योक पार्ट था, अब ये नीचे घेरा पार्ट है, घेरे पार्ट पे इस तरह से है। ये बहुत लॉन्ग ड्रेस है, पूरी लॉन्ग ड्रेस है, ये आपके पैरों तक आएगी एंकल लेंथ, और इतनी प्यारी और इतनी सुंदर लग रही है ये। देखिए कलर भी कितना हैपनिंग सा है, एकदम इतनी गंदी सी गर्मियां हैं तो उनमें इस तरह के कलर्स बहुत सूदिंग लगते हैं, आईज को बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ में इसके साइड में इस तरह से लॉन्ग लॉन्ग टेसल्स हैं, डोरी लगी हुई है, टेसल लगे हुए हैं। और ये देखिए ये कुछ ऐसा कॉइन टाइप का लगा हुआ है, ये जनरली इयर रिंग्स में आता है लगा हुआ, इसमें मैंने पहली बार देखा है, बट काफी अच्छा है, डिजाइन बहुत अच्छा है लगा इसका। इसी तरह दूसरी साइड भी है ये इस तरह से, और डिजाइन काफी अच्छा है, प्रिंटेड ड्रेस है और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लगेगी जब आप इसको पहनते हैं, किसी फंक्शन में तो नहीं कह सकती बट किसी गैदरिंग में पहनते हैं, चार लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे तो कुछ अच्छा सा दिखता है, पहनना पड़ता है हमें, तो उस रीजन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये ड्रेस और मुझे बहुत पसंद आया। मैंने काफ़ी सारी ड्रेसेस वगैरह कुर्तीज वगैरह ऑर्डर की थी, अभी मुझे जो जैसे जैसे मिलती जा रही हैं जो जो चीज़ें तो मैं वो आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ। बच्चों का भी मैंने ऑर्डर किया हुआ है, जैसे ही मुझे रिसीव होता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो सब चीज़ें जो जो मैंने बच्चों के लिए भी ऑर्डर किया है। तो ये अभी फ़िलहाल हम लेडीज़ का ही देख रहे हैं, तो इस तरह से है ये पूरी ड्रेस। नेक्स्ट दिखाती हूँ मैंने नेक्स्ट क्या ऑर्डर किया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एज यू गाइज नो के मुझे दीवानगी टाइप की है एक जूट बैग्स के लिए, आजकल वोकल फॉर इंडिया वोकल फॉर लोकल को मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ, मेक इन इंडिया को बहुत सपोर्ट करती हूँ मैं, बट अभी जो मैंने लिया है वो भी कुछ इसी तरह से है, तो जूट बैग्स ही लिए हैं मैंने, दो जूट बैग्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और कैसे दिखते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, वन बाय वन करके बैग दिखाती हूँ आपको। ये कुछ इस तरह से दिखता है, मल्टी कलर बैग लिया है इस बार मैंने, मेरे पास ऐसे आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोस में मैं दिखा भी चुकी हूँ, ऐसा न्यूट्रल कलर का बैग था मेरे पास, ब्राउन से कलर का, जैसा जूट ओरिजिनली होता है वैसा था। अब ये मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह से कुछ बैग है, नो बेबी, तो ये कुछ इस तरह से बैग है, काफ़ी बड़ा बैग है ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर, राउंड है और इसको आप इस तरह से भी पकड़ सकते हैं और इसको आप स्लिंग की तरह टांग भी सकते हैं। ये 300 समथिंग का था, एग्जैक्ट प्राइस मुझे याद नहीं है, मैं आप लगा दूंगी ज़रूर। आप ये देखिए कुछ इस तरह का दिखता है, ये काफ़ी अच्छा कलरफुल सा बैग है और इसमें स्पेस भी देखिए काफ़ी सारी है, जैसे अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, मार्केट भी जा रहे हैं तो इसके अंदर अपनी गुडीज़ आप आराम से रख सकते हैं, मोबाइल पर्स चार्जर कुछ भी रख सकते हैं, उसको आराम से आप कैरी इस तरह से भी कर सकते हैं, इसके अंदर आप सब्जी भी डाल के ला सकते हैं, इवन एक दो सब्जी तो आई जाएगी इसके अंदर आराम से। जैसे हम कभी ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के से वापस आते हुए रास्ते में हमें कुछ मिल जाता है, हम वो घर पे ले जाना चाहते हैं, तो ये उस तरह का बैग है, आप इसके अंदर कुछ भी कैरी कर सकते हैं, आराम से आ जाएगा। ये देखिए काफ़ी अच्छा है, इधर तक मेरी कोहनी तक ऑलमोस्ट ये आ रहा है, यहाँ से कोहनी तक आ रहा है, ये देखिए कोहनी से हल्का सा ऊपर है, तो मतलब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये स्पेशियस है, आराम से आप इसके अंदर कुछ भी कैरी कर सकते हैं। तो अराउंड 400 है, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, कोई ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये हम किस कपड़े के साथ इसको कैरी करें, यू नो हमें ऐसा लगा रहता है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि कि ये मेरे कपड़ों के साथ मैच भी कर रहा है या ये चीज़ मेरे कपड़ों के साथ मैच नहीं कर रही है तो अच्छा नहीं लग रहा, तो इस तरह से मैं बड़ा सोचती हूँ। आप भी मेरी तरह सोचते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बाकी ये हम किसी भी कपड़े के साथ कैरी कर सकते हैं, जीन्स के साथ, वेस्टर्न के साथ, इंडियन के साथ, किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। एक इसका जो ड्रॉबैक मुझे लगा है वो ये है कि इसके अंदर कोई भी क्लोजर नहीं है, आप इसको बंद नहीं कर सकते, ये दिखाई दे रहा है, ये टैग है इसका, दीवान करके है टैग, ब्रांड का नाम दीवान है, बट इसके अंदर सब कुछ अच्छा है बट इसके अंदर कोई क्लोजर नहीं है। एक टिच बटन भी अगर ये दे देते तो हम इस तरह से इसको बंद कर सकते थे आराम से,
तो बट इसके अंदर सिर्फ यही ड्रॉबैक है कि इसके अंदर कुछ भी क्लोज करने के लिए नहीं है, ना जिप ना कुछ, तो थोड़ा सा सिर्फ एक अकेला ये ड्रॉबैक यही लगा मुझे, बाकी ये बहुत ज्यादा स्मार्ट बैग है। नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको, नेक्स्ट अब एक बहुत ही ह्यूज बैग आ गया है, दिखाई दे रहा था छोटा सा बट ये देखिए, ये प्रॉपर सब्जी वाला ही बैग है इस तरह से, ये देखिए काफी ज्यादा बड़ा बैग है, बहुत ज्यादा बड़ा है, और इसमें भी दीवान करके लिखा हुआ है, और ये देखिए काफी ज्यादा स्पेस है, आप आराम से 1-2 किलो आलू आराम से ला सकते हैं, 1-2 किलो प्याज वगैरह इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैंडी भी है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, पकड़ने में भी आप इसको आराम से यहाँ से भी कैरी कर सकते हैं। तो ये है एक बैग, मुझे इस तरह के ना इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है, मैं उनमें से नहीं हूँ जो हमेशा बस बाहर के ब्रांड्स को ही ले। आपने मेरे चैनल पे अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा मैं ज्यादातर इंडियन ब्रांड जो होते हैं उन्हीं को प्रमोट करती हूँ, उन्हीं को पहनती हूँ, उन्हीं को लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि हमारा देश आगे बढ़े, तो हमें भी यही एक थिंकिंग अपने दिमाग में रखनी चाहिए वाइल बाइंग एनी थिंग, क्योंकि अब कोरोना है, वैसे भी बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं, या जो भी मजदूर थे वो भी बेचारे परेशान घूम रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, बट हम लोग एज बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम भी कुछ हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट की, उन मजदूरों की, कि हम अपने देश में बनी हुई चीजें खरीदें, ताकि हमारी इकोनॉमी जो यहाँ तक थी वो और ऊपर जाए और अच्छी बूस्ट करे और हमारा देश और आगे बढ़े। तो इस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं अपने जो देसी क्राफ्टमैन होते हैं उनकी, कि हम अपने देश में बनी हुई चीजें लें, तो इस तरह से कुछ है ये दिखता है। और ये देखिए कितना प्यारा और कितना डिजाइनर बैग है ये, आई लव दिस बैग, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्पेस है, काफी सारा सामान आ जाएगा, जैसे अगर हम कहीं भी जा रहे हैं सब्जी लेने भी, तो बहुत अच्छा स्टाइलिश सा बैग कैरी किया हुआ है, सब लोग आपको ही देखेंगे अगर आप ये वाला बैग ले रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत पसंद आया मुझे ये बैग तो स्पेशली। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज कंजूसी ना करें, लाइक कर लीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट के साथ, नया वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगी मैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स दिमाग में आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बनाती जा रही हूँ मैं वीडियोस, तो आप जरूर चेकआउट कीजिए मेरा चैनल एक बार, बहुत सारे वीडियोस हैं, स्टाइलिंग वीडियोस भी हैं और हॉल वीडियोस भी हैं, काफी अच्छे 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 वीडियोस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, प्लीज अब आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मेरी कोशिश मैं मानूंगी सफल हो रही है, और बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट के साथ, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।